दोस्तों, जब हम किसी कंपनी की अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं तो हम पूरे साल उस कंपनी के हर अकाउंटिंग वाउचर को टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं। तो उस वाउचर के अकॉर्डिंग टैली सॉफ्टवेयर कौन से लेजर को ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना है, कौन से को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है और कौन से लेजर को बैलेंस शीट में लेके जाना, तो ये सब कुछ उसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो दोस्तों, जब बारी आती है, हम जो भी हमने पूरे साल में अकाउंट वर्क मेंटेन किया टैली सॉफ्टवेयर में, और उस रिपोर्ट को देख के, उन अकाउंटिंग को देख के हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है ईयर एंड के बाद में, या फिर हमारी बुक्स की ऑडिट भी होनी है अगर हमारी जो टोटल टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है। तो दोस्तों, हम जो भी हमारा टैली का बैकअप होता है या जो टैली का डाटा होता है उसे हम टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट के ऑफिस में या फिर चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस में हम सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें टेली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग मेंटेन करने के साथ साथ भी सीए के ऑफिस में डाटा को जाने के बाद में उसकी एक्सेल में वर्किंग किस प्रकार करी जाती है ये भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने जो भी आपने टेली सॉफ्टवेयर में वर्किंग करी है उसको अगर आप सीए के ऑफिस में एक्सेल के वर्किंग के साथ अगर आप सेंड कर देते हो तो आप सीए की काफ़ी ज़्यादा इसके साथ हेल्प भी कर रहे हो, क्योंकि सीए के ऑफिस में जाने के बाद भी ये जो सारा डाटा है एक्सेल में ही मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर केवल आपके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जो इस फाइनल रिपोर्ट को जो फाइनल टच दिया जाता है वो एक एमएस एक्सेल में डाटा फीडिंग करने के बाद ही दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो, आप टेली सॉफ्टवेयर के अच्छे जानकार हो, आप टेली सॉफ्टवेयर के हर फीचर के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखते हो, तो आपको टेली सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक्सेल के अंदर भी जानकारियां रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी अकाउंटिंग को मेंटेन करने में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो दोस्तों प्लीज़ अभी कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर इसी तरीके की प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो जो टेली सॉफ्टवेयर के साथ और वीजी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के साथ अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जब बात आती है फाइनल अकाउंट की, तो फाइनल अकाउंट में जो हमें शुरुआत करनी होती है इनकम टैक्स पर्पज से, तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, और उसके बाद में फाइनली हमारी बैलेंस शीट तैयार होती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर में, दोस्तों ये सब कुछ को टैली सॉफ्टवेयर में ही नहीं बनता, अदरवाइज कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने यूज किया तो सब में ये बातें हैं जो ऑटोमेटिक बनती है। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनती है। तो ये अकेला कोई टैली सॉफ्टवेयर ही नहीं करता, सब सॉफ्टवेयर करते हैं। तो अब बारी आती है हम इन टैली सॉफ्टवेयर में से डेटा को देख के एक्सेल में किस तरीके से फीडिंग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो शुरुआत हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ही करनी होती है। अब आपके पास ट्रेडिंग कितनी टाइप की है वो आपको देखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं 2 टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ, यानी कि मैं एक जो जीएसटी 18% का सामान भी परचेज करता हूँ और एक 28% का भी मेरी कंपनी में परचेजिंग होती है। तो इस तरीके से मेरे पास ये 2 टाइप की ट्रेडिंग है, 18% की और 28% की। तो हमें 2 टाइप की ये ट्रेडिंग अकाउंट है, हालांकि दोनों के अंदर ये जो पार्ट्स है वो सेम है, कंप्यूटर्स के पार्ट है, लेकिन उनकी जीएसटी की जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें एक्सेल के अंदर हमने ये कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 18% का एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, या फिर आपकी कोई परचेज रिटर्न है तो वो परचेज में सेलेस होकर लिखी यहाँ पे लिखी जाती है। उसके बाद में आपकी नेट परचेज आ जाती है, उसके बाद में आपको कोई डेबिट नोट मिला हुआ है तो यहाँ पे आएगा, या उसके बाद अगर आपके कोई एक्सपेंसेस लगा हुआ है इस जीएसटी 18% गुड्स पे, कोई लेबर लगी हुई है, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर इसके डायरेक्ट खाते में आएगा। इस तरीके से आपके सेल कितनी है, टोटल सेल रिटर्न कितनी है, आपको उसके 18% पार्ट्स के अगेंस्ट में आपको कितने क्रेडिट नोट मिले हुए हैं, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है 31 मार्च 2021 का, या जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर की बुक्स मेंटेन कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जीएसटी 18% के अकाउंट को देखेंगे। तो हम टेली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का। तो अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, 0 है, तो हम चलेंगे परचेज पे। अब हमारी जो 18% की परचेज है वो 30,152 रुपये की है। तो हम जो यहाँ पर परचेज में जो अमाउंट लिखेंगे वो 30,152 रुपये की, और उसके बाद में हम देखेंगे कि परचेज रिटर्न भी है कि नहीं है। तो हम 18% पे जाएंगे तो हमें क्रेडिट में कोई भी कॉलम अमाउंट है जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है क्रेडिट के कॉलम में, तो यानी कि 30,152 टोटल हमारी परचेज ही है। तो उसके बाद में किसी तरीके का कोई डेबिट नोट भी हमें नहीं मिला हुआ यहाँ पर, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसिस भी नहीं है, तो यानी कि केवल 18% की परचेज है।
तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी 30,152, तो 30,152 के बाद में यहाँ पर जो डेसिमल है 00 वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर पूरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जर्नल के बाद में जाने के बाद इसको आप नंबर कर दो तो 2 के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस कॉलम को भी जर्नल से हटा के नंबरिंग में कर देंगे। और उसके बाद में हम चलेंगे सेल के पार्ट पे, तो जो हमारी 18% की सेल है वो 27,565 रुपये की है, तो हम एक्सेल में मेंटेन करेंगे 27,565 रुपये। तो सेल रिटर्न भी हम देखेंगे, लेजर पे एंटर मारेंगे तो हम डेबिट के कॉलम में कुछ भी अमाउंट नहीं है, केवल क्रेडिट है, तो इसका मतलब ओनली सेल है। और उसके बाद में बारी आती है हमारे पास क्रेडिट नोट की, तो क्रेडिट नोट भी हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, अब आपके पास जीएसटी 18% का जो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखने से पहले हमें यहां पर आपको वैल्यूएशन जरूर चेक कर लेनी है, भी आपने जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली है वो आप कौन सा मेथड इसमें से फॉलो करते हो, या एवरेज स्टॉक मेंटेन करते हो, फिफो है या लिफ है या लास्ट परचेज कॉस्ट है, कौन सा आप मेथड यूज करते हो, तो उसको एक बार यहां से जरूर सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट परचेज कॉस्ट यहाँ पर लेकर रखा हुआ है, तो आप लास्ट परचेज यहाँ से आप जो भी मेथड यूज करते हो आप वो उसको चूज करोगे। तो अब मेरे पास जो इसमें कंप्यूटर जीएसटी 18% का जो स्टॉक आ रहा है वो 5,000 रुपये का, यानी कि 5,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास अभी बचा हुआ है। तो मैं एक्सेल में 5,000 रुपये यहाँ पे लिखूंगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे निकालना है इस ट्रेडिंग काउंट के, यानी कि जीएसटी 18% में हमें कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेल के अमाउंट को और क्लोजिंग के स्टॉक के अमाउंट को हम प्लस करते हैं, और उसमें जो भी हमारे एक्सपेंसेस है या जो परचेज कॉस्ट है वो हमारी माइनस में हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस कॉलम में इसका टोटल लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको टोटल लगाना है तो सबसे पहले आपको इस रो को पूरा को आप सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेल में ऑटो सम का, तो आपको केवल ये ऑटो सम में यूज करना है, यानी कि टोटल आपको लगाना है। तो ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। अदरवाइज जो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो नजर आ रहा है भी बराबर सम भी D7 से लेके D15 तक हमें टोटल चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला टाइप भी कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑटो सम से ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये तो आ गया इन दोनों का टोटल, सेल अमाउंट की और क्लोजिंग स्टॉक का। अब उसके बाद में हमें ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए इस अमाउंट में से इस परचेज की जो अमाउंट हमारे पास है इसको लेस करेंगे। तो लेस करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल का यहाँ पर निशान दबाएंगे, और उसके बाद में हम जो आपके पास टोटल स्टॉक सेल और स्टॉक का जो कॉलम है उसका कॉलम देख लो, या फिर आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में D16, तो ये D कॉलम है और इसकी 16 रो है। तो हम माइनस करें तो माइनस का निशान दबाएंगे, और उसके बाद में परचेज की जो यहाँ पे सेल वैल्यू है यानी कि B9, यानी कि B कॉलम है और 9 नंबर इसका रो है, तो B9 करके इंटर प्रेस करेंगे, तो यानी कि इसमें से 2413 रुपए का आपको जीएसटी 18% ट्रेडिंग अकाउंट वाले में प्रॉफिट हुआ है। तो उसके बाद में इसका भी हमें टोटल लगाना है, तो सेम वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे, फॉर्मूला टोटल करेंगे और ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। तो आपका ये जो टोटल है ये 32,565 और 32,565 ये इक्वल आएगा दोनों साइड का। तो इस तरीके से हमारे पास एक 28% का भी ट्रेडिंग अकाउंट है। तो हम 28% का हमने बना नहीं रखा, तो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम इसी को ही कॉपी करेंगे। तो हमने इस ट्रेडिंग अकाउंट को कॉपी किया, या आप कंट्रोल सी यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट, और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे, और उसके बाद इसको जीएसटी 18% को हटा के हम इसको कर देंगे 28%, और उसके बाद में इसकी परचेज वैल्यू डाल देंगे सॉफ्टवेयर को देख के। अब इसकी जो परचेज वैल्यू हो 5,100 की है, यानी कि 5,100 रुपये की है, हम 5,100 रखेंगे। और उसके बाद में इसकी जो सेल वैल्यू है वह 28% की 1,567, यानी कि 1,567 रुपये है। और उसके बाद में इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका 28% का हमारे पास बचा हुआ वो 4,080 रुपये का है, तो हम 4,080 रुपये प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने इस पर इसका कॉपी हमने इसलिए किया था ताकि हमें यहाँ पर इसका जो टोटल का जो फॉर्मूला है या फिर ग्रोस प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला वो हमें बारी बारी टाइप ना करना पड़े, फॉर्मूला हमारे वहाँ जो 18% के अकाउंट में लगा हुआ था वो इसी में ही काम आ जाएगा आपका। तो यानी कि इस तरीके से हमारा जीएसटी 18% का जो ट्रेडिंग काउंट है उसमें टोटल 547 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ये तो था हमारा ट्रेडिंग काउंट, और अब बारी आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की। तो हम चलते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की सीट पे। दोस्तों सबसे पहले हमने हेडिंग का नाम लिखते हैं, उसके प्रोपराइटर का नाम है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंडेड ईयर ऑफ 31 मार्च 2021। तो दोस्तों ये जो हमारी साइड होती है ये हमारी इनकम साइड होती है, यानी कि इसमें जितनी भी हमारी बिजनेस की इनकम हुई है वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर हमारे पास जो मेन इनकम हुई है वो यानी कि हमारी ग्रोस प्रॉफिट से हमें हुई है,
ग्रॉस प्रॉफिट वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा, यानी कि हमें 2413 रुपये और 547 रुपये का। तो दोस्तों हमें यहाँ पर टाइप नहीं करना, उन दोनों प्रॉफिट को हम यहाँ पर फॉर्मूले के साथ लिखेंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल का निशान दबाएंगे। अब उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाना है, और उसके बाद में एक तो आपको ये प्रॉफिट ऐड करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद में प्लस का निशान हम दबाएंगे और एक ये प्रॉफिट आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं आप सभी का प्रॉफिट है जो इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो उन दोनों का टोटल आपको यहाँ पर आ जाएगा। और ये टोटल कहाँ से आया तो ये आपको इसके फॉर्मूला बार में भी दिखेगा भी, बराबर ट्रेडिंग अकाउंट की जो सीट आपके पास बनी हुई है उसमें B14 का है और एक प्लस किया हुआ है B29 यानी कि 29 को, उन दोनों का टोटल यहाँ पर आपके पास आ रहा है यानी कि 2960 रुपये का। और ये जो ग्रोस प्रॉफिट है आप टेली सॉफ्टवेयर में देख रहे हो 2960 रुपये का प्रॉफिट आया है। तो दोस्तों हमने एक्सेल में अलग अलग इस तरीके से मेंटेन किया है क्योंकि प्रॉफिट सेम आ रहा है, तो लेकिन अब हमें यहाँ पर अगर देखना पड़े भी 18% का प्रॉफिट कितना है और 28% का प्रॉफिट कितना है, तो ये आपको टेली सॉफ्टवेयर में से अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों का मिक्स आ रहा है, दोनों का कंबाइन आ रहा है। तो हमें अलग अलग प्रॉफिट देखने के लिए अलग अलग परसेंटेज वाइज देखने के लिए हम एक्सेल में अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास अदर इनकम, तो अदर इनकम हमारे पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस है 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे जनरल एक्सपेंसेस, आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा जनरल एक्सपेंसेस। और उसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस है, सैलरी भी है, सैलरी एक्सपेंसेस, और एक आपके पास में शॉप रेंट। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट यहाँ से टाइप करोगे, या आप एक्सेल से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास इतना कुछ ज़्यादा बड़ा डाटा है नहीं इसलिए हमने यहाँ पे टाइप ही कर दिया। तो हम जनरल एक्सपेंसेस हमारे 100 रुपीज़ है, सैलरी हमारे पास 1000 है सॉरी, और शॉप रेंट है जो 500 है। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पे देखो डेसिमल इंक्रीज नहीं हुआ, तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जनरल पे जाएंगे और 2 पे सिलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और नंबरिंग ये ऑलरेडी है तो नंबरिंग पे करेंगे। अब हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम जितनी हमारी इनकम हुई है ग्रोस प्रॉफिट और उसके अलावा अदर इनकम को जोड़ के और उसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस है जो माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टोटल लगाएंगे, ऑटो सम यूज़ करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट हम जितनी इनकम हुई है उसमें से खर्चे माइनस करेंगे, तो इक्वल का निशान दबाएंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे यानी कि D15। तो हम D15 आ से भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद में हमने जो खर्चे किए हैं वो माइनस करेंगे। अगर आपके पास खर्चे की एक्सपेंसेस लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज 2 या 3 है तो आप एक एक करके माइनस भी कर सकते हो। जैसे आपको ये जो B8 है वो भी माइनस करना है, और उसके बाद में B7 भी माइनस करना है, और B6 भी माइनस करना है। तो इस तरीके से आप ये एक एक करके माइनस भी कर सकते हो, और हम एंटर प्रेस करेंगे तो यानी कि 1360 रुपये का हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद में हम इसको ऑटो सम करेंगे तो ये टोटल हमारा इसके बराबर आ जाएगा दोनों साइड का, यानी कि 1360 रुपये का हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। और टेली सॉफ्टवेयर में देखें तो यहाँ पर भी 1360 रुपये ही आपको नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये तो था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बारी आती है इसकी बैलेंस शीट की, तो हम बैलेंस शीट के सीट पर चलते हैं। तो बैलेंस शीट पे हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, और इसमें आप देखें दोस्तों जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें हम पर्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं, लेकिन जब बारी आती है बैलेंस शीट की तो हम एक साइड लाइबिलिटीज रखते हैं और दूसरी में एसेट रखते हैं, यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर और पर्टिकुलर जो वर्ड नहीं लिखा जाता। तो सबसे पहले बारी आती है इसमें कैपिटल अकाउंट की, तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कैपिटल अकाउंट, और हम टेली सॉफ्टवेयर में बैलेंस शीट ओपन करेंगे। तो बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए हम बैलेंस शीट पे जाएंगे और Alt F1 के साथ इसकी डिटेल ओपन कर लेंगे। तो अब इसमें जो कैपिटल अकाउंट है वो सुमित कुमार है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे श्री सुमित कुमार, और उसके बाद में यहाँ पर 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है जो स्टार्टिंग में लगाई गई थी, इस ये 30,000 रुपये की सुमित कुमार की भी इसमें कैश को डेबिट किया और सुमित कुमार को क्रेडिट किया है। तो इसकी एंट्री भी हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 रुपये की, और ये भी डेसिमल के साथ नहीं आ रहा तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से इसको भी हम नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आप इसके फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं हम, और उसके बाद में यहाँ से आप
स्टेप टू स्टेप बढ़ा सकते हो। और उसके बाद में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों हम प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको हम यहाँ से हाथ से टाइप नहीं करना, उसको भी हम यहाँ से फॉर्मूले से लेके आएंगे। तो इक्वल का निशान दबाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएंगे और इसे नेट प्रॉफिट के अमाउंट पर क्लिक कर देंगे। आपको सिर्फ क्लिक करना है तो ये जो 1360 रुपये की अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर टोटल आपकी जो है, या आप नेट कैपिटल लिख सकते हो या टोटल एक बार लिख सकते हो, इक्वल का निशान दबाएंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, B9 और इसको। तो इस तरीके से टोटल जो हमारी अब कैपिटल है वो 31,360 रुपये की हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप प्लस करना चाहो इसको, यहाँ पर इस तरीके से आप आउटर लाइन इसके पे बॉर्डर लगा सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे इसके नीचे एक लाइनिंग भी आ जाएगी। अगर आप पूरा बॉर्डर में देखना चाहो तो इसके अंदर आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको ये इस टाइप की आ जाएगी। और उसके बाद में बारी आती है हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस की। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी कि अब हमारे पास ये आ गया, इंटर प्रेस करेंगे तो CGST की अमाउंट और SGST की अमाउंट दोनों अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। तो उससे पहले हम एक बार यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सैलरी क्रेडिटर की, क्रेडिटर्स। तो दोस्तों सैलरी क्रेडिटर्स हम इंटर प्रेस करेंगे तो अब तो जैसे हमारे पास केवल एक ही क्रेडिटर्स है यानी कि एक ही लेजर है, तो हम यहाँ पर उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास सैलरी क्रेडिटर की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, 20 से 25 नाम है, तो आपको एक अलग से यहाँ से लिस्ट है जो अटैच करनी पड़ती है। तो आप उस क्रेडिटर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी है, तो यहाँ पर विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी का नाम लिख दिया। और इसकी अमाउंट भी हम जो हमारा हेडिंग है, जो इसका ग्रुप है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे अंडरलाइन के साथ में, ताकि थोड़ा सा ये डिजाइन के साथ हमें शो होगा। तो दोस्तों सेम ये वर्किंग जो हम कर रहे हैं, सेम ही ये टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट के ऑफिस में या चार्टर्ड अकाउंट के ऑफिस में इसी तरीके की वर्किंग करी जाती है जो आपको आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है 24,298 रुपये और 24 पैसे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद में अब ये जो आ जाएगी हमारे पास अदर लाइबिलिटीज में आ जाएगा, यानी कि एक तरीके के गवर्नमेंट की फाइनेंस की लाइबिलिटीज हमारे पास रह गई है। तो इसका भी हम हेड यहाँ पर दे देंगे, हमने सेंट्रल क्रेडिटर को कॉपी कर लिया है, अदर करंट लाइबिलिटीज। अब इसमें नॉन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं। तो हमारा एक तो CGST टैक्स पेबल आ रहा है और एक SGST का टैक्स है पेपल आ रहा है। तो जितनी अमाउंट है दोनों की अलग अलग हमें लिखनी पड़ेगी, 177 रुपये और 11 पैसे और 177 रुपये और 11 पैसे, यानी कि इस तरीके से हमारी अब जो टोटल लाइबिलिटी साइड की जो वैल्यू है सारी हमने यहाँ पर लिख दी है। और उसके बाद में हम चलेंगे एसेट साइड पे। तो आप टैली में देख रहे हो यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज और ये एसेट नज़र आ रहे होंगे, हर सॉफ्टवेयर में आपको इस तरीके से शो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड असेट को, तो हम यहाँ से इसी को हेडिंग को कॉपी कर लेंगे कैपिटल को, और इसी को हम वापस से जो रीनेम कर देंगे, जिससे कि हमारा जो बोल्ड किया हुआ फॉन्ट है, अंडरलाइन है, वो सारी ऑटोमेटिक ही रह जाएगी। और इसके बाद में फर्नीचर है, तो फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 8,000 रुपये है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद में जो करंट एसेट है उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक है, सैलरी डेप्टर है और कैश इन हैंड है, तो वो सारी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे। अब जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू हमारे पास है, उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम मैनुअल रूप से नहीं लिखेंगे, उसको भी हम फॉर्मूले के साथ लेके आएंगे। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा, तो इक्वल का निशान दबाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएंगे, और सबसे पहले ये क्लोजिंग स्टॉक ऐड होना चाहिए, प्लस इसके साथ में ये भी ऐड होना चाहिए, और एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास सैलरी डेप्टर भी है, सैलरी डेप्टर्स। तो दोस्तों सैलरी डेप्टर की भी अगर आपके पास लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो आपको यहाँ पे एक अलग से लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा जो एक ही इस बैलेंस शीट के कॉलम पे नहीं आता, तो हम अलग से इसकी जो शेड्यूल है वो अटैच कर देते हैं। अब एक ही है बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का, तो इसका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है तो वो एक पेज पर होता है, हम एक पेज पर जितना डाटा आता है वो सब कुछ लिख सकते हैं। तो 30,532 रुपये की इसकी अमाउंट है, 30,532 रुपये और
46 पैसा, और उसके बाद में आपके पास कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड। तो अब आपके पास कैश इन हैंड जो बचा हुआ है वो 8400 रुपए का है, यानी कि ये हमारे पास कैश बची हुई है, तो हम 8400 को भी यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका हम टोटल लगाएंगे, सभी का सारा डाटा हमने फिलअप कर दिया है, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में यहाँ से लेके इसको भी हम ऑटो सम करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों साइड का भी टोटल आपके पास 56012 रुपये और 46 पैसे, 56012 रुपये और 46 पैसे। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर में देखोगे तो अब सॉफ्टवेयर में जो आपको अमाउंट नज़र आ रही है वो आ रही है 5637 रुपये। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर जो प्रॉफिट है, अब वो प्रॉफिट आपका 1385 रुपये और 33 पैसे का आ रहा है। अब इस प्रॉफिट को किस तरीके से हम चेंज देखेंगे और Alt F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे, तो अब इसमें जो प्रॉफिट आप देख रहे हो, तो इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप देख रहे हो अभी यहाँ पर यह जो चेंज हो चुकी है, जबकि यहाँ पर 9105 रुपये आ रही है और 9080 रुपये होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी वैल्यूएशन के अंदर ये चेंजिंग होगी है। तो इस तरीके से चेंजिंग हो सकती है सॉफ्टवेयर में, आपको इसका विशेष ध्यान में रखना है। तो हम लास्ट फसेज कोस्ट करेंगे, वापस हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, तो बैलेंस शीट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो लास्ट परचेज कॉस्ट करनी पड़ेगी, तो ताकि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा था वही आपको बैलेंस शीट में शो होगा। तो दोनों कंडीशन में आपको जो मेथड रखना है वो सेम रखना है। तो अब इसका जो टोटल आ रहा है 56012 रुपये और 46 पैसा, और बैलेंस शीट की हम बात करें तो बैलेंस शीट में भी ये सेम 56012 रुपये और 46 पैसा। तो दोस्तों इसलिए हम एक्सेल में मेंटेन करते हैं ताकि हमारे से अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोई गलती हो जाए तो हमारी एक्सेल में ये सबको हम पकड़ सकते हैं। और हम इसको यहाँ पर भी टोटल लिखेंगे और इसके कॉलम भी हम टोटल लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से MS Excel में हम टैली सॉफ्टवेयर को देख के हमारी बैलेंस शीट को डिजाइन करते हैं, और ये हम एक्सेल शीट को चार्टर्ड अकाउंटेंट को या एडवोकेट को भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये देखने में काफ़ी कुछ अच्छा लगता है और इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, आपका एक्सेल का जो बेसिक नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ अभी कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के प्रैक्टिकल वीडियो और भी आगे लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।